नमस्ते दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो आज मैं शेयर कर तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूंगी तिल और कोकोनट की कुरकुरे पकौड़े की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्रंची एंड ये देखिए कुरकुरा है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। पकौड़े बहुत ही कुरकुरा एंड क्रंची होता है फ्रेंड्स। स्पेशली बंगाली लोग इसे गरम चावल दाल के साथ खाना पसंद करते हैं, और इसे आप टमेटो सॉस ग्रीन चटनी के साथ भी खा के एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तिल कोकोनट पकौड़े के लिए बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा नारियल, मीडियम साइज का एक नारियल का आधा मैंने ले लिया है, और उसको मिक्सी में मैंने ऐसे दरदरा देखिए पीस लिया है। इसमें मैंने पानी का यूज बिल्कुल नहीं किया है, हमें ऐसे दरदरा पीसना है। और 100 ग्राम रोस्टेड तिल रोस्ट कर लिया मैंने, ड्राई रोस्ट 100 ग्राम रोस्टेड तिल है यहाँ पे। और 1 टेबलस्पून खसखस पॉपी सीड्स, और बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा, जितना हमें जरूरत है उतना ही मैं यूज करूंगी। चावल के आटे की जगह आप बेसन भी यूज कर सकते हो, लेकिन चावल के आटे से बनाने से ये बहुत ही कुरकुरा होता है। आप बेसन के साथ चावल के आटा मिक्स करके भी इसे बना सकते हो। 2 हरी मिर्च लिया है मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ये सारे सामग्री को मैं एक बोल में मिक्स करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बड़ा सा बोल मैंने ले लिया है। अब मैं एक एक करके सारा सामग्री इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं नारियल ऐड किया है, फिर उसके बाद मैंने इसमें तिल ऐड कर दिया है, खसखस, हरी मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो, और 1/2 टीस्पून कलौंजी। इसमें बढ़िया स्वाद आते हैं। हम बंगाली लोग तिल के पकोड़े, नारियल के पकोड़े में कलौंजी जरूर यूज कर सकते हैं। आप भी यूज करके देखना फ्रेंड्स, आपको पसंद आएगा, बहुत टेस्टी होता है। और 1 टीस्पून मैं यूज करूंगी रोस्टेड भुना मसाला, ये ऑप्शनल है। अब इन सारे सामग्री को मैं इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर, चावल का आटा यूज करूंगी, और जरूरत पड़े तो और यूज करूंगी। और पानी इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसको हमें मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, तिल नारियल पूरा मिला लिया है मैंने। यहाँ मैंने पूरा चावल का आटा ही यूज किया है, मैंने लिया था 75 ग्राम्स के करीब चावल का आटा मुझे लगा है इसको बाइंडिंग करने में। तो अब मैं इसको फ्राई करूंगी, पकोड़े के शेप देके इसको फ्राई कर लूंगी। अभी हम पकोड़ा फ्राई करेंगे, और उसके लिए मैंने कढ़ाई में व्हाइट ऑयल गरम कर लिया है। आप मस्टर्ड ऑयल में भी पकोड़ा फ्राई कर सकते हो। अब एक एक करके हमें पकोड़ा फ्राई करना है, ऐसे हाथों में फ्लैट करके पकड़ो के हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पकोड़ा मैंने पलट दिया है, एक साइड से ये लाल हो गया था, ऐसे ही हमें गोल्डन कलर करके फ्राई करना है पकोड़े को दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, पकोड़ा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसे तेल से निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, तिल और कोकोनट के पकोड़े बनके तैयार है। मैंने सर्व किया है कोकोनट स्लाइस और नींबू की स्लाइस, और हरी मिर्च से मैंने गार्निश भी किया है। ये बहुत ही यम्मी कुरकुरा क्रंची डेलीशियस पकौड़ा है। इस रेसिपी को आप प्लीज ट्राई करना फ्रेंड्स, और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और बेल बटन को प्रेस कर देना कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। थैंक यू।